लो आज पूरा दिन है, देखो देखो गिरा 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 गिरा। तो गाइस मैंने दी थी आयत को फ्राइज और आयत ने पूरा इसके ऊपर गिरा दिए। बच्चे लोग ब्लेम भी करते हैं आपको पता है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रहा हूँ कि सुबह के बज रहे हैं 5। अम्मी के घर से आते हुए बहुत लेट हो गया और गाइज हम लोग अभी जा रहे हैं सोने के लिए, मतलब अभी घर पहुँचेंगे। और हम लोग ने लेके आए हैं 2 चिलर पार्टी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ये 2 चिलर पार्टी जो मिसबा ने लेके आई है आज। आज ये हम लोग ये दोनों के बनेंगे फादर एंड मदर। घर में स्पेसिफिकली बच्चे कितना होगा मचाते और क्या करते। तो गाइस कल क्या करने वाले हैं, कितनी मस्ती करने वाले हैं और ये ऐसी माँ है कि अपने बच्चों से काम करा रही है। तो गाइस कल बहुत मजा आने वाला है कि इन लोग पूरा घर गंदा करेंगे, इन लोग बहुत ही मस्ती करते और बहुत मजा आएगा हम लोग और दोनों मस्ती कर रहे हैं और हम लोग को भी बहुत मजा आएगा कि कल संडे है और पूरा दिन हम लोग घर पे ही हैं। तो हम लोग को भी बहुत मजा आएगा कि हम लोग इन लोगों को कैसा मैनेज कर दे। तो चलो गाइस देखते हैं कल का दिन क्या होता है मेरे साथ और मिसबा के साथ। तो गाइस मिसबा चाबी लेके वहाँ अंदर भाग गई है और दरवाजा नहीं खोल रही है। हम लोग तीनों भारी है अभी क्या करने का, अपन भारी सोएंगे क्या बिस्तर लेके आके सो जाते हैं तो बोल रहे बिस्तर लेके आके सो सकते हैं। तो देखते हैं मिसबा क्या कर रही है, हम लोग को बाहर क्यों छोड़ दिए और फटाफट भाग भाग के गई और दरवाजा बंद कर दिया उसने और खोल भी नहीं रही। तो देखते हैं क्या कुछ तो कर रही रहेगी, कुछ तो कांड है। तो गाइस मैं कैमरा ऑन रखूंगा, मेरे को भी आप लोग को भी दिखाना चाहता हूँ कि क्या कर रही है। तो क्या कर रहे तुम? रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। तो गाइस दोनों बच्चों का स्वागत हो चुका है हमारे घर पे और सोच सोच के बहुत हंसी भी आ रही है और बहुत गुस्सा भी आने वाला है कि लोग बहुत मस्ती करने वाले। तो हम लोग को कितना मजा आता है देखते हैं कल। अभी तो ये लोग जा रहे हैं सोने के लिए, रात बहुत हो चुकी है, मतलब सुबह के 5 बज गए। तो इन लोगों को जाते हैं, हम लोग डालते हैं बिस्तर देके सुलाते हैं। हम लोग एकदम रेडी करके आपको वो भी दिखाएंगे कि मिसबा कैसा रेडी करती है और कहाँ सुला रही है। हम लोग सब आपको दिखाएंगे 24 घंटे बच्चों के साथ। तो बहुत मजा आने वाला है। दोनों जन सोफे पे कूदना मना है ठीक है, और टीवी देखने का अगर नहीं आता है तो रिंकू चाचू लगा कर देंगे ठीक है। एसी का रिमोट नहीं छूना है। सुबह उठेंगे तो भूख लगेगी तो किसको उठाएंगे? रिंकू चाचू को। अच्छा मुझे बताओ तुम सुबह क्या खाओगे तुम लोग? हाँ पहले बोली भूख लगेगी तो डोसा ही मारना। तो रेडी हो? तो गाइस बच्चे लोग भी रेडी हो गए, मिसबा का पूरा जो मेन्यू है और उन लोगों ने पढ़ लिया है और क्या करने वाली है सब मिसबा मेरे ऊपर ढकेल दिए और मिसबा लोग को बच्चे लोग को मिसबा बच्चे लोग को डरा दिए। देखो एक ये सोफे पे बैठे, एक इधर बैठा है और ये सबसे बड़ी बच्ची तो यही है। ओके कौन कौन पीगा जूस? तो गाइस ये लोग अभी सुबह सुबह लोग को जूस मिल रहा है, चलो जाओ जूस लाके दो बच्चे लोग को फटाफट। वाओ, और मैं 2 बॉयल एग खाऊंगा। तुम बॉयल एग नहीं खाते? फिर खाओगे। तो गाइस इन लोग को कल फुल इन लोग की डाइट भी बन गई है। अभी आयत बनाना भी खाएगी, आयत बनाना भी खाएगी। तो गाइस इन लोग की डाइट प्लान भी आज मिसबा ने बना दिया है और ये तो अपना अलग ही मस्ती में खेल रही है और ये अपना बैठ गया रिमोट लेके और ये लगाएगा अभी यूट्यूब और देखेगा YouTube पे मिसबा एंड मम्मा ब्लॉग। तो गाइस आप भी जाइए और जाइए फटाफट डालिए MISBA एंड और मम्मा और देखिए हमारा ब्लॉग। तो गाइस सोने का टाइम हो चुका है और मिसबा जा रही है आयत को रेडी करने के लिए, मतलब रेडी करने के लिए। हाँ तो जाएंगे आयत को मुंह हाथ धुलाएंगे अभी और नाइट सूट मिसबा पहनाने वाली है और एकदम साफ सुथरा मिसबा जैसा रहती है, एकदम साफ सुथरा होके सोने का।
तो आयत भी आज जा रही है एकदम मुंह हाथ धो के साफ सुथरा सोने के लिए। तो आयत की मैं नाइटी भी लेकर आई, आयत की नाइटी लेकर आई। बोलो शादी से, शादी से आयत की दादी, इसके दादी शादी से लेके आए हैं। और चलो अभी जाओ पहले फटाफट जाके फ्रेश हो जाओ, मुंह हाथ धो लो पहले, मुँह हाथ धुला दो और उसको कपड़ा पहना के फटाक से सुला दो। तो गाइस ओवेस चले गए सोने के लिए, ओके उसको बहुत नींद आ रही थी तो बहुत टाइम हो गया, तो वो चले गए सोने के लिए और अभी आयत भी जा रही सोने और हम लोग भी सो जाएंगे। गाइस देखो मेरे पास जॉनसन बेबी पाउडर भी रखा है ना। जॉनसन बेबी पाउडर। तो ये तैयार हो रही है आयत, कैसा लग रहा है? अच्छा। हाउ टू फील? ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, पानी है थोड़ा सा ढक्कन पे। गाइस देखिए मैं बेबी तैयार कर रही हूँ, बहुत ही बड़ी बेबी है, छोटी बेबी नहीं मिली। 5 years ओनली, 5 साल की बेबी है, 5 साल की नहीं है मम्मा, ये 6 साल की है, 6 साल की है, एक 6 साल की बेबी, एक 25 साल का, एक 25 साल का बेबा है। क्या? अभी तुम सीधा कपड़ा पहन के सो जाना, तो अभी ये मस्त में कपड़ा पहन लिए है और नाइट सूट, बाल बनाती हूं मैं पहले, नाइट सूट हो गया, कॉम लाना पड़ेगा तुमको, कॉम कॉम देखो मैं भूत बन गया, जा कॉम ले आओ। तो गाइस कंघी हो रही है बेटी की, सुबह के मुझे सुबह के बज रहे हैं गाइस, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, सुबह के बज रहे हैं, ये देखो आप देख सकते हो बेटी तुम यहाँ, सुबह के बज रहे 5:33 और हम लोग बहुत लेट आए आज, और मिसबा सोची बीच में सोऊंगा। तो गाइस मिसबा फुल तैयारी में कि बच्चे को कैसा रखने का, बच्चे घर पे रहते तो क्या होता है, मेरे घर पे बच्चे हैं, मिसबा के बड़े हुए ना बहुत सारे, बहुत तो बड़े हो गए ना अभी, तुमको जब तू वो बच्चे थे ना तुम भी बच्ची थे, लेकिन मुझे आता है सब, हाँ तो मुझे तो पता दिख ही रहा है और गाइस आपको भी पता चल गया। तो गाइस अभी ये तैयार होने के बाद आयत जाएगी सोने के लिए, है ना आयत? हाँ हाँ नहीं बेटू अपन सब सो जाएंगे। तो ये मुंह पे लग गया है पाउडर, आयत हो गई है गोरी, वाओ गोरी तो नहीं हो गई लेकिन थोड़ा फ्रेश हो जाते बच्चे, पहले से ही गोरी है, ये पहले से ही गोरी है और ये सामने जो बैठी काली है, वाओ। आयत तुम ऐसे बाल चल रहे हैं? हाँ इधर आओ, तुम सब निकाल दिए लेकिन तुमसे कूद जाती है। तो गाइस फाइनली हम लोग की एक जगह फिक्स हो चुकी है, बहुत ही इतना डिसाइड करने के बाद, और अभी हम लोग सो रहे हैं अपने ही बेड पे, और बेड माशाल्लाह बहुत ही बड़ा है, तो मिसबा बोलती मैं ये कोने में सो जाती हूँ और यहाँ सोई है मिसबा, यहाँ पर आयत। तो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है बच्चे लोग की, और बच्चे लोग खा रहे हैं डोसा। तो बेटी कैसे, क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और बेटू खा रहे हैं डोसा, बेटू कैसा लग रहा है? वेरी नाइस। मिसबा इधर बना रही है बच्चे लोग के लिए डोसा, और बड़े बच्चे के लिए, और मेरे लिए बन रहा है चटनी, क्योंकि मैं चटनी वगैरह नहीं खाता हूँ, और यहाँ चाय बन रही है और ये फ्राई हो रहा है। तो मिसबा आज बहुत जल्दी उठ गई और काम कर रही है सुबह से। मैं तुम्हारे लिए मैं बना दूंगा, टेंशन मत लो। तो गाइस चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, ओके, और क्या करते हैं फिर बाद में मिलेंगे थोड़ी देर के बाद, ये हाँ। गाइस दोनों जन आ चुके हैं गार्डन में खेलने के लिए, और देख आराम से आराम से। तो गाइस लो आज पूरे दिन है, देखो देखो गिरा 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 गिरा, बोल रहा हूँ आराम से, लगा तो नहीं गाइस। लोग आ चुके हैं खेलने के लिए और मैं इन लोग को लेके आया हूँ नीचे, तो मिसबा थोड़ा आराम कर रही है और बहुत जल्दी उठ गए थे हम लोग आज, और एक्चुअली नाश्ता वाश्ता करने का था बच्चे लोग को, और ये गाड़ी की चाबी इधर ही गिरा दिया तुमने। तो चलो गाइस थोड़ा सा इन लोग को खिला देते हैं, थोड़ा घुमाते और थोड़ा बहुत मस्ती करते हैं जाते हैं, फिर आज बहुत मज़ा आने वाला मेरे को लग रहा है।
तो गाइस ये झूला झूल रहे लोग और मैं भी अभी झूला झूलूंगा। तो यहाँ बहुत गिल्ला है इसलिए मैं जा रही रहा हूँ, अभी वो आयत उठेगी तो मैं भी झूला झूलूंगा। पूरा पानी है, आराम से वो तू बैठ गया। हाँ बैठ जा, बैठ जा, तेरा गिल्ला है, कोई इशू नहीं है। हाँ चलो बैठ जाओ, गिरना नहीं बस। तो ये लोग सब में सबको मैं घुमाता हूँ ये आज, और यह बंदर लोग भी है, ये भी है, तो सब में बैठाता हूँ। और ये रहा मेरा घर, आपको दिख रहा होगा, फ्लोर नहीं बताऊंगा। गाइस ये पहाड़ चढ़ रही है, फटाफट चढ़ो 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 ऊपर, नहीं ऊपर हाथ पैर रखो यहाँ पर, हाँ नहीं नीचे यहाँ, हाँ हाँ अभी ऊपर, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अभी रुको, अभी यहाँ पर स्लिप खाओ बेटी, यहाँ पर स्लिप खाओ जल्दी। तो गाइस बेटी गिर चुकी और वो चले गया उधर। तो आज तो पूरा वीडियो इन लोग का ही बनने वाला है। कहा भाग रहे? तो गाइस इन लोग चले गए हैं स्विमिंग पूल के अंदर और मैंने ओएस को धक्का दे दिया। और इन लोग को बहुत नहाने का शौक था, इन लोग अब भी नहाए हैं, जस्ट आधे घंटा पहले घर से लोग नहा के आए और इन लोग को स्विमिंग पूल में नहाने का था, तो इन लोग स्विमिंग पूल में अभी नहा रहे हैं। लोग जाओ अंदर, जाओ अंदर, जाओ एकदम अंदर जाओ, हाँ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो गाइस इन लोग को अभी थोड़ा नहाने देते हैं और नहाने के बाद थोड़ा मजे करते हैं, और मैं तो नहीं नहाने वाला क्योंकि मेरी नाक थोड़ी बंद है। तो फटाफट जाओ। और गाइस ये बच्चे लोग इधर खड़े हैं, तुम लोग नहीं जा रहे नहाने? क्यों? देखो आज इन लोग की मॉर्निंग में नहा के आए और मेरी तबीयत खराब है, तो गाइस मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, इन लोग को खेलने देते, इन्जॉय करते। तो गाइस बच्चे लोग उधर खेल रहे हैं और स्विमिंग पूल में भी नहा के आ गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज तो जिम गया नहीं हूँ, तो मैं आज सोच रहा हूँ सोसाइटी में ही थोड़ा जिम और थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं। ओके फिर थोड़ी सी बॉडी बना लेते हैं गाइस, बॉडी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो गाइस थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं और ये हमने आगे वेट थोड़ा सा शोल्डर प्रेस मार लेते, तो गए इसी दो चार सेट और कर लेते और आप देख रहे हो माशाल्लाह। मैं आ चुका हूँ बड़े बड़े चैंपियनों के साथ कैरम खेलने के लिए और मैं इधर कैरम खेल रहा हूँ। थर्ड बैठू ये, अरे अरे ना इधर, हाँ तुम लोग को भी खेलने का, तुम पहले मेरे को खेलने दो फिर बाद में तुम लोग खेलना, तुम लोग कैरम खेलने का। अरे यार इन लोग तो एकदम परेशान ही कर रहे हैं मेरे को। अरे इस टाइगर पूरा गोटी वोटी क्यों हिला रहे तुम लोग? हाँ तुम लोग भी खेलेंगे, अच्छा चलो ये गोटी मार के दिखा, चलो ये गोटी मार के दिखाओ, चलो ये गोटी मेरे को ऐसा मार के दिखाओ, चलो नहीं गई। अरे देखो गाइस मेरे को ये लोग बहुत परेशान कर रहे, कैरम खेलने दो यार मेरे को भी, हटो 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 जरा मैं मार दूँ, देखो ये ऐसा मार दे, देखो ये नहीं गई मेरी भी। अरे गाइस ये बच्चे लोग को ना मतलब खेलना बहुत ही मुसीबत है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो गाइस फटाफट जल्दी इन लोग को कैरम खेल के लेके जाता हूँ, उनके माँ बाप के दिन को छोड़ के आता हूँ, और थोड़ा सा बहुत मज़ा आया मगर बहुत परेशान खेल। तो इतना अच्छा यहाँ मौसम है और देखो बच्चे नीचे खेल रहे हैं, क्या बोल रहे हो मम्मा? बहुत परेशान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चले छोड़ कर आते हैं भाई, कहाँ है बच्चे लोग, कहाँ है? वर्कआउट भी नहीं करने देता, संडे है मत करो वर्कआउट, चलो ठीक है। तो गाइज मैंने दी थी आयत को फ्राइज और आयत ने पूरा इसके ऊपर गिरा दिए, और अच्छा हुआ कि मैंने दस्तर बिछाई थी तो इस वजह से उठा कर खा सकते हैं, नहीं तो गाइज
डस्टर नहीं बिछा होता था, पता है आपको क्या होता है? और मम्मा को बहुत आज क्यों गिरा दिए? आज छोड़ दिए थे, मैं छोड़ दी थी। गाइस बच्चे लोग ब्लेम भी करते हैं, आपको पता है, कह रही है मैंने ही छोड़ दी थी, मेरे जैसे के हाथ में दी, वो पकड़ ही नहीं पाई, पूरा उल्टा हो गया। तो चलो ये उठाते हैं और फिर आपको मिलते हैं। तो गाइस हम सबका पिज्जा आ चुका है और सबका पिज्जा अनफॉर्चुनेटली उथल पुथल होकर आया है। देखिए उथल मतलब उसने ऐसा है, पूरा पिज्जा ऐसा करके लाया है गाइस, हम लोग चम्मच से उसको सही किए वापस से। सही बात है, जैसे इसका फ्राइज गिर गया, आज हमारा भी पिज्जा सड़ा 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 कर आया है। ओवेज अच्छा है पिज्जा? अच्छा अच्छा, चलो बच्चों को अच्छा लग गया तो अच्छी बात है। ओ मड्डो आप खाओगे पिज्जा? नहीं मैं पसंद। तो गाइस चलो हम लोग पहले पिज्जा खा लेते हैं और पहले इन लोगों को छोड़कर आते खिलाकर। हाँ पहले खिला के छोड़ के आते गाइस, नहीं तो उनके माँ बाप है ना, ये अपने माँ बाप को ना भूल जाए। सही बात है, देखो गिर गया इनका माल मटेरियल पिज्जा का यार। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बच्चों को छोड़ने और बहुत ही मजा आया बच्चों के साथ पूरा दिन, मम्मा ने बहुत अच्छा हैंडल किया। कैसा अच्छा लगा तुमको? बहुत मजा आया। तो चलो तुम लोगों को कैसा लगा बच्चे लोग? अच्छा लगा। चलो गाइस फिर चलते हैं और ये ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। तो गाइस मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।